प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए एक नया प्रयोग किया है और उसका नाम दिया है मिल बांचे कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत कोई भी व्यक्ति बीआरसी कार्यालय में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उसे वहीं से एक स्कूल का पता मिल जाएगा कि उसे किस स्कूल में जाकर बच्चों को साथ पढ़ना भी है और बच्चों को पढ़ाना भी है। महापौर भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री का यह कदम बेहद अच्छा है और इससे आने वाले वक्त में स्कूली बच्चों को लाभ भी मिलेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पूरे प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और जन जन को जोड़ने के लिए उन्होंने कार्यक्रम लिया है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत मिल बांचे कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सभी समाज सेवियों की, समाज के प्रबुद्ध वर्ग की, व्यवसायियों की, उद्योगपतियों की, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की और समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ करके उसको एक कक्षा में जाना, एक विषय लेना, मिल बांचे नाम से कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और इस पे जा करके जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो आसपास का जो विद्यालय है उसमें एक बच्चों के बीच में समय बिताना और अध्ययन के प्रति उनकी जागरूकता पैदा करना, इसके लिए काम किया जाएगा। तो ये एक बहुत अनुकरणीय प्रयास है और 18 फरवरी को सारे लोग विद्यालयों में जाकर के बच्चों के बीच में मिल बांचे कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा करेंगे, उनके पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे और पढ़ाई को किस तरह से रोचक बनाया जाए इसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मिल बांचे मध्य प्रदेश, इसमें उनका मानना यह है कि विभिन्न स्तर के शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवी, आप पत्रकार बंधु और भी जितने बुद्धिजीवी लोग हैं वो विद्यालयों में जाएं, बच्चों के साथ मिलें, बैठें, एक पेज वो पढ़ें, कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मिल बांचे मध्य प्रदेश नाम का एक कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किया है। इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जैसा कि अभी आप लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। 18 फरवरी को जो भी हमारे सम्माननीय साथी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, 18 फरवरी को जो संस्था अलॉट हुई है, जिस संस्था के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, उस संस्था में जा करके बच्चों के साथ हमको आपको बैठना है, एक पेज आपको भी पढ़ना है, एक पेज बच्चे से भी पढ़वाना है, पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत कराना है, जिससे हमारे बच्चे, हमारा विद्यालय, हमारे शिक्षक सभी प्रेरित होंगे और एक सकारात्मक वातावरण पढ़ने को लेकर के बनेगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अभी तक जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, कृपया कर हमारे वीआरसी ऑफिस में आकर या कहीं भी बैठ करके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अधिक से अधिक लोग इसमें सहभागी बने, अधिक से अधिक लोग हमारे विद्यालयों तक पहुँचें और इस हालांकि यह कार्यक्रम जनवरी महीने में होना ही तय था, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के चलते इसे 18 फरवरी के लिए आगे बढ़ा दिया गया। मिल बांचे कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को स्कूल पहुंचना है और बच्चों के पाठ्यक्रम से या फिर लाइब्रेरी में रखी किताबों से एक दिन की क्लास लेनी है। शायद उनकी मंशा है। इसमें पहले 28 जनवरी का था, लेकिन अब ये बढ़ के 18 फरवरी हो गई और इसकी रजिस्ट्रेशन हमारे कार्यालय से भी हो रहे हैं। और इसमें करना ये है कि जितने भी वॉलेंटियर्स या समझिए प्रेरक हैं, चाहे वो शासकीय सेवक हो, रिटायर्ड पर्सन हो या किसी भी संस्था से जुड़े हुए, तो वो जाके विद्यालय में उनकी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक अंश या फिर उनकी लाइब्रेरी से सेलेक्ट करके उस सब्जेक्ट पे वो डिस्कस कर सकते हैं। उन बच्चों के साथ उनको दिन बिताना, अपना शेयरिंग करनी है, अपने भाव विचार और बच्चों की भी अभिव्यक्ति को भी, मतलब उनका जो भाव अभिव्यक्ति हो उसको भी अपना एक्सेप्ट करना है। रोजमर्रा की पढ़ाई से उब चुके छात्रों के लिए यह बदलाव बेहद जरूरी था। मिल बांचे कार्यक्रम से जाहिर तौर पर स्कूली बच्चों के लिए किया जा रहा यह अनूठा प्रयास फायदेमंद साबित होगा।